अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी या कैसी इमेजनरी होती हैं और कर्व पार्ट वाली होती हैं, इसको समझने से पहले समझ लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मिलता जुलता है क्या एक मैग्नेटिक फील्ड, वो इस चैप्टर में लेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए बहुत अच्छा एक मीडियम हो सकता है। मान लीजिए एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। आप जानते हैं बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये एक मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसके चारों ओर इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये एक आयरन नेल है, मतलब एक कील मान लीजिए, इसे आयरन है। और यदि इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड के दूर है तब तक इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ना तो ये अट्रैक्ट होगा ना ये रिपेल होगा, मतलब कि अट्रैक्ट ही होगा, रिपेल तो होगा भी नहीं। तो जब भी इससे मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा तो इसमें क्या एक फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है तो इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यदि यही आयरन यदि हमारा यहाँ पर होता, यहाँ पर यदि ये आयरन होता तो क्या होता है, इसमें आप फोर्स लग जाता, इसमें क्या है फोर्स लग जाता। फोर्स कैसे लग जाता कि इसके पास आ जाता, इससे आके पास आके चिपक जाता। तो अब इसमें क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, वही क्या था इसमें, अब इसमें फोर्स फील हुआ, मतलब कि अब इसमें अट्रैक्शन हो गया, यह कील अब यहाँ पर इसके पास जाके चिपक जाएगी। तो यही इसकी जब मतलब कुल मिला के बात दिया, यदि मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड से कोई चीज़ बाहर है तब तक उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन यदि वह उसकी मैग्नेटिक फील्ड में है तो वह उसमें कुछ मूवमेंट होगा, वह उसके पास आएगी या दूर जाएगी। फोर्स यदि रिपल्सिव है तो दूर जाएगी, यदि पास है तो, यदि रिपल्सिव नहीं है तो पास में आएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। प्रॉपर्टी से आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। यदि हम पहली कंडीशन ले जो क्यू है हमारा ग्रेटर देन जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो वैल्यू क्या है, जो 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 भी जीरो से बड़ा है वह सब पॉजिटिव है। तो जब हमारा क्यू पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको क्या होती है। यहाँ पर मान लीजिए यदि हमारे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह कैसी आउटवर्ड होगी, मतलब प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, मतलब इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ये तो चली गई, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर निकलेंगी। तो यहाँ पर लिखा होगा इफ प्लस क्यू चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड गोज आउट, मतलब यदि हमारा चार्ज प्लस क्यू है, मतलब प्लस में वैल्यू है चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी बाहर की ओर निकलेगी, मतलब चार्ज से बाहर की ओर जाएंगी, इस तरफ चार, ऐसी नहीं कि ये पाँच छः लाइनें हैं, यहाँ पर कहीं भी जा सकती हैं। तो समझ में आ गया होगा, यदि हमारा चार्ज क्यू प्लस जीरो से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होंगी और वीक कहाँ पर होंगी, ये भी एक टॉपिक है कि स्ट्रॉन्ग कहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पास पास है, यहाँ पर क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रांग होगी, लेकिन यदि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लाइंस क्या है पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब बहुत पास पास है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ पर अब लाइन है क्या हो गई, दूर दूर हो गई। तो जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही दोनों आपस में दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होगी, लेकिन यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। तो जितनी पास पास लाइन्स होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहाँ जितनी दूर होती चली जाएंगी लाइन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कमज़ोर होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ होती है, चार्ज के बिल्कुल पास पास, क्योंकि वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है पास पास होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रांग होती है। जैसे ही लाइन दूर होना चालू हो जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन हमारी वीक होना चालू हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, यदि हमारा क्यू जीरो पे छोटा है, मतलब जीरो पे छोटा है, मतलब माइनस में वैल्यू सब है यहाँ पर। यदि हमारा चार्ज माइनस में है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होगी, मतलब
माइनस क्यू चार्ज की और यहाँ पर आएंगी, मतलब यहाँ से ऐसी आएंगी, यहाँ से ऐसी आएंगी, यहाँ से ऐसी आएंगी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी, यहाँ से ऐसी और यहाँ से ऐसी, मतलब यहाँ से बाहर जा रही तो यहाँ पर वो लाइन आ रही हैं, यहाँ से जा रही तो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ माइनस क्यू चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोस इनवर्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इनवर्ड होंगी लेकिन यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर यहाँ से जाएंगी और यहाँ पर आएंगी। तो यदि हमारा क्यू जीरो से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड होगी। लेकिन अब बात यहाँ पर भी आती है स्ट्रॉन्ग और वीक, तो यहाँ पर वही लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती चली जाएंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की, यहाँ पर बात हो रही है डायपोल की। डायपोल मतलब अनलाइक चार्ज, मतलब प्लस और माइनस चार्ज की बात होगी। तो देखिए यहाँ पर अब लूप्स वाला आएगा, वो यहाँ पर वहाँ पर दो चीज़ें लिखी ना, एक तो स्ट्रेट लाइन है एक लूप्स, यहाँ पर अब लूप है। अब लूप कैसी कर्व लाइन होती, मतलब ऐसी होती कर्व लाइन, तो उसे बोलते हैं कर्व लाइन लूप। तो यहाँ से आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो निकलती हैं और जाती कहाँ, माइनस क्यू, मतलब यहाँ से निकलेगी यहाँ जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ जाएगी, यहाँ से निकलेगी ये, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, ये आपको पता है। लेकिन ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव क्लोज लूप, मतलब कि क्लोज लूप नहीं होती। क्लोज लूप से मतलब ये, यदि प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रही तो माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं आती, मतलब इधर से इधर जा रही लेकिन इधर से इधर ये नहीं आती, इनकी डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है। लेकिन अब ऐसा फिर किस में होता है कि उसमें क्लोज लूप बनता है, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें क्लोज लूप होती है। यदि हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है तो वह साउथ से नॉर्थ की ओर भी आएगी, मतलब यहाँ यदि ये लाइन यहाँ से यहाँ गई तो यह इस तरफ भी जाएगी, कुछ इस तरफ जाएगी, यदि ये जा रही है तो इस तरफ जाएगी, यदि ये जा रही है तो इस तरफ, मतलब कि इसमें यदि इस तरफ से नॉर्थ से साउथ जा रही तो साउथ से नॉर्थ भी आएगी, साउथ से नॉर्थ आएगी तो नॉर्थ से साउथ, मतलब ये क्लोज लूप बना लेती हैं। लेकिन इनमें क्लोज लूप नहीं बनती, इनमें क्लोज लूप बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड हैव क्लोज लूप और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव क्लोज लूप, मतलब इनमें क्लोज लूप होती है लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसमें क्लोज लूप नहीं होती। और क्लोज लूप आप समझ गए होंगे, यदि हमारी जो प्लस क्यू से माइनस क्यू है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है, समझ गए हम, आ गया होगा। डायपोल की बात क्या हो रही थी, अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस चार्ज इस तरफ से इस तरफ जाती है लेकिन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, इसलिए क्लोज लूप नहीं होती। लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें यदि यहाँ से जा रहा है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ भी आती, इसलिए इनमें क्लोज लूप होती है। तो अब देखते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। अब देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक कहता है फॉर अ सिमिलर चार्ज, यहाँ पर अब बात हो रही है कौन से चार्ज की, सिमिलर चार्ज मतलब कि दो चार्ज हैं बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड वाले। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, आपको फिजिक्स में पता होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मतलब दोनों चार्जेस की वैल्यू है जो इक्वल है। तो उन दो चार्जेस में अब क्या होगा, सिमिलर चार्जेस हैं तो स्वाभाविक बात है कैसे होंगे, दोनों ही प्लस प्लस चार्ज होंगे, दोनों ही क्या होंगे हमारे प्लस प्लस चार्ज होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि दोनों ही चार्ज हमारे कैसे होंगे, प्लस प्लस चार्ज। अब इनमें क्या होगा, स्वाभाविक बात है दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं तो इनमें क्या है, रिपल्सन होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वह दूर जाएंगी। तो दूर जाएंगी तो कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसी आई और ये ऊपर चली गई, ये ऐसी आई ये ऊपर चली गई, ऐसी आई ये ऊपर चली गई और ये ऐसी आई ये ऊपर चली गई, ये ऐसी आई बाहर चली गई, ये बाहर चली गई, तो इस तरह से बनेगा। लेकिन जो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट पी बनेगा, अब वहाँ पर क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट अ पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब है ही नहीं, वह तो यहाँ से ऊपर निकल चुकी है, यहाँ से ऊपर निकल चुकी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारे पॉइंट पी पर वो जीरो होगी। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी मौजूद नहीं, यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जीरो होगी। उसी तरह हम सेकेंड केस यहाँ पर ले लेते हैं, यदि हमारा क्यू वन ग्रेटर है क्यू टू से तब क्या होगा, तब प्लस क्यू और प्लस क्यू तो रहेंगे लेकिन अब क्यू टू हमारा छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्वाभाविक बात से फिर छोटी लिख लेंगी थोड़ी, और इससे हमारी ज़्यादा लिख लेंगी। तो ये पॉइंट हमारा थोड़ा
प्लस क्यू चार्ज जो इस तरफ वाला है उसके पास चला जाएगा, जो पॉइंट पी है इससे थोड़ा दूर चला जाएगा अभी, लेकिन जो अभी जो सेंटर में था वो इस वाले चार्ज के पास चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, यदि हमारा क्यू वन बड़ा हो तो क्यू टू के पास हमारा पॉइंट पी चल जाता है, और यदि हमारा क्यू टू यहाँ पर बड़ा होता तो ये चार्ज यहाँ पर आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है। तो समझ में आ गया होगा, यदि क्यू वन बड़ा है तो हमारा जो चार्ज है भाई क्यू टू के पास आ जाएंगे। आप चाहें तो समझ लीजिए कि नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यू वन क्यू टू लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं क्यू वन और इसको क्यू टू। तो क्यू वन क्यू टू के पास चल जाएगा, यदि हमारा क्यू वन बड़ा है तो हमारा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जहाँ पर जीरो है वह क्यू टू के पास चला जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, पूरा सिमिलर चार्जेस। और यदि हमारा क्यू वन क्यू टू से बड़ा है तो कब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस पॉइंट पर जीरो होगी लेकिन वह थोड़ी आगे खिसक जाएगी और क्यू टू के पास हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको फोर्थ वाला टाइप। अब देखते हैं फिफ्थ वाला टाइप। फिफ्थ वाला टाइप क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कैसे यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म लाइन कैसी होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से कहीं यूँ, यहाँ से कहीं ये वाली, यहाँ से कहीं ये, मतलब सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, वह हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। इनकी खासियत क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, ये पैरेलल होती हैं आपस में और इक्वल डिस्टेंस होती है इन दो लाइन तीन लाइन जितनी पांच लाइन है यहाँ पर। तो ये पांचों लाइन कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इक्वल डिस्टेंस पर हैं आपस में, और ये कैसी, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी सेम होती है एट एवरी पॉइंट। मतलब कि यदि यहाँ पर हमारा क्यू टेस्ट चार्ज क्यू रखा है इस पॉइंट पर, तो जितना फोर्स वह यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स वह यहाँ पर भी करेगा। मतलब कि यहाँ सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एवरी पॉइंट वह सेम होगी। तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती हैं और कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं आपस में और इक्वल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगी। और कैसी होंगी, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बिल्कुल सेम होगी एट एवरी पॉइंट, चाहे मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह सेम होगी सभी पॉइंट के लिए। समझ में आ गया होगा आपको क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर सारी जगह सेम होती है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अब हम लिखेंगे, अब समझा तो दिए ही, अब उनको हम सिंपल स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे।